नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार भागलपुर 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ है। 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण सम्पन्न 13 फरवरी 2022 की न्यूज है। नाथनगर हिंदुस्तान प्रतिनिधि। परिसर स्थित यूको आरसीटी भवन में चल रहे 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हो गया। बारह फरवरी 2022 को शनिवार होता है, 13 फरवरी 2022 रविवार हो जाता है। तो यहाँ पे शनिवार जो बोला जा रहा है तो 12 फरवरी 2022 हो जाएगा। तो ही मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वैज्ञानिक विपिन बिहारी मिश्र ने उद्घाटन किया। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से बकरी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करने एवं एक बकरी पालक के रूप में अपनी पहचान बनाने की बात कही। ने इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी को आत्मसात कर अपना तथा अपने समाज का सकल विकास करने का कृत संकल्प कराया। यूको आरसीटी के निदेशक आरसीटी अभय कुमार सिंह ने बताया कि यह 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण 1 से 12 फरवरी तक संचालित हुआ। इसमें सबौर नाथनगर सुल्तानगंज एवं शाहकुंड प्रखंड के 29 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया था। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि जीवन में वो व्यक्ति ही सफल हो सकता है जो हर परिस्थिति में धैर्य को अपना कर रचनात्मक तरीके से हर कदम पर आगे बढ़ता है। निदेशक ने बताया कि 14 फरवरी से यूको आरसीटी भवन में मुख्यमंत्री SC ST महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत एक प्रशिक्षण की शुरुआत होने वाली है। मौके पर संकाय गुरु गोविंद सकुल को कुमोद कुमार झा, कार्यालय सहायक समरेंद्र कुमार, राजीव रंजन सहित प्रशिक्षणार्थियों में रोजी कुमारी, दिलखुश कुमारी, जयंती कुमारी आदि मौजूद थे। तो इससे एक नया जानकारी ये निकल के आया कि 14 फरवरी 2022 से नया सेशन शुरू होने वाला है। 14 फरवरी से यूको आरसीटी भवन में मुख्यमंत्री SC ST महिला उद्यम योजना के अंतर्गत एक प्रशिक्षण की शुरुआत होने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।